अभी आदरणीय लालू जी जो है एम्स में है, उनका इलाज चल रहा है। चुप रहो ना। और शर्म की बात यह है कि प्रशासन लीपापोती में लगी रहती है, गलत जांच, गलत रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव देखिए लगातार बीमार हैं, ऐसे में उनको रिम्स से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी जो क्रेटिन है रिम्स में 4.5 था, वहीं देखिए 5.9 तक जो क्रेटिन का लेवल है, किडनी का जो संक्रमण है वो बढ़ गया है। ऐसे में रिम्स ने उनको एडमिट लेने से मना कर दिया था और फिर वो एयरपोर्ट से वापस वो दोबारा रांची रिम्स पहुँच रहे थे, लेकिन हालाँकि अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो जाने के बाद फिर उनको फिर से एम्स में भर्ती करा लिया गया है। उनका अभी वहाँ पर जांच चल रहा है। ऐसे में देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद कार्यालय पहुँचे थे लोहिया जी के माल्यार्पण करने को लेकर के। ऐसे में उन्होंने कहा है कि उनका जो क्रिएटिन लेवल है रिम्स में जब वो थे तो कम था, और जो दिल्ली पहुँचे हैं तो उनका जो किडनी का संक्रमण है क्रिएटिन लेवल वो बढ़ गया है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तो हमने साफ तौर पर सुना कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्रिएटिन लेवल रिम्स रांची में जो था वो कम था, लेकिन जैसे ही दिल्ली पहुँचे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनका क्रिएटिन लेवल जो है किडनी का संक्रमण वो लगातार बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली में जो एम्स है उन डॉक्टरों के देख रेख में उनका इलाज चल रहा है, लगातार इलाज जारी है। ऐसे में जो बताया गया था कि उनको एडमिट नहीं किया गया, उनको कहा कि लोगों में कन्फ्यूजन है, कागज जो है लगातार दुरुस्त किया जा रहा है, उसके बाद दिल्ली में ही एम्स में उनका इलाज लगातार चल रहा है और वहीं पर इलाज चलेगा। हालांकि देखिए कुछ देर पहले खबर आई थी कि उनको दिल्ली एम्स एडमिट नहीं कर रहा, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं अगर कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। ऐसे में देखिए उनको वापस फिर रांची रिम्स बुलाया गया था, रांची रिम्स अचानक पहुँच रहे थे, अचानक दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका अचानक तबीयत ख़राब हो गया, उनकी जो किडनी का जो संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उनको फिर से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया है। इमरजेंसी वार्ड में लगातार इलाज चल रहा है और उसका क्रिएटिन लेवल जो जांचने का है वो रिपोर्ट आने का इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बाद आगे क्या क्या कुछ जांच है वो कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद जांच किया जाएगा। ऐसे में देखिए इलाज लगातार जारी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता हैं, जेल में हैं, उनको उनका जो किडनी का संक्रमण लगभग 16 तरह के बीमारी से ग्रसित हैं। रांची रिम्स में उनको पेइंग वार्ड में रखा गया था, उसके बाद फिर देखा अचानक जब उनका किडनी इन्फेक्शन बढ़ गया और क्रिएटिन लेवल लगातार बढ़ने लगा तो उनको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अब देखिए लगातार तमाम जो बातें चल रही कि लालू प्रसाद यादव के सेहत को लेकर के लगातार खबर आ रही कि उनका क्रिएटिन लेवल बढ़ता जा रहा है, ऐसे में डॉक्टरों की देख रेख में इलाज किया जा रहा है। दिल्ली के बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं एम्स के जो डॉक्टर हैं वो देख रहे हैं, और ख़ास करके जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे और उस दरमियान जब उनका जो क्रिएटिन लेवल बढ़ा था, फिर उनको शिफ्ट किया गया था रिम्स के पेइंग वार्ड में, फिर रांची से दिल्ली ले जाने के दरमियान क्रिएटिन लेवल का जो बढ़ना है वो लगातार जारी है। ऐसे में अब जब रिपोर्ट आएगी तब क्या कुछ होगा ये देखने वाली लाजमी सी बात होगी। अब देखिए नेता प्रतिपक्ष ने शराब को लेकर जो जहरीली शराब से होली के 48 घंटे में जो 50 से ज़्यादा मौतें हुई इसको लेकर के भी दुर्भाग्य बताया है कि लगातार देखिए प्रशासन इसको छुपाने को लेकर के प्रयासरत है, छुपा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों में कंफ्यूजन है, ऐसी कोई बात रिम्स में जो इन्फेक्शन जो था क्रिएटिन की जो मात्रा थी लगभग 4.5 था। जब दिल्ली पहुंचे, जब टेस्ट लिया गया तो वो क्रिएटिन जो इन्फेक्शन जो है वो 5.1 हो गया, यानी बढ़ गया। फिर दोबारा टेस्ट लिया गया, क्रिएटिन जो है 5.9 हो गया, यानी बड़ी तेज़ी से जो है दिल्ली पहुंचने पर भी इन्फेक्शन की मात्रा जो है वो बढ़ गई। अभी आदरणीय लालू जी जो है एम्स में है, उनका इलाज चल रहा है। अभी एम्स में है, उनका इलाज चल रहा है। बीते 3 दिनों में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। किसी को लोग को कंफ्यूजन होता है सर, पेपर वर्क वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें वो अलग बात है, लेकिन अभी लालू जी एम्स में है और हम लोगों की चिंता ये थी कि जब 4.5% 4.5 क्रिएटिन की मात्रा रांची में थी, दिल्ली जब तक पहुंचे 5.1 हुई, दोबारा टेस्ट हुआ तो 5.9 हुई, यानी तेज़ी से जो है इन्फेक्शन बढ़ा है, तो इसको लेकर के अभी एम्स में जो है उनका इलाज चल रहा है। बीते दिनों 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और ये सुशासन का जो लोग दावा ठोकते हैं, पीठ थपथपाते हैं अपना, ये उसका पोल खोलने का काम करता है। और शर्म की बात ये है कि प्रशासन लीपापोती में लगी रहती है, गलत जांच, गलत रिपोर्ट। मौत किसी और कारण होता, पोस्टमार्टम क्यों नहीं होता? पोस्टमार्टम होगा, पता चल जाएगा। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।